नमस्कार मित्रों, आप लगातार हमारे लेख, हमारी वीडियो और हमारी टीम के अथक प्रयास से इस बात से धीरे धीरे परिचित तो हो ही गए हैं कि भारत में रहने वाले फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की वैज्ञानिकता का स्तर क्या है। झूठ इनका आधार है, पाखंड इनकी ताकत है और बेशर्मी इनका विज्ञान है। यह वह विज्ञान है जो हमेशा दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए ही उफान मारता है। लेकिन जैसे ही आप इन फर्जी वैज्ञानिकों के शोध प्रपत्रों से निकालकर इनका कोई शोध इनके सामने रखते हैं तो इनको पेचिस हो जाता है, बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं, यहाँ तक कि पजामे से बाहर भी हो जाते हैं या तथाकथित कपोड़ वैज्ञानिक। तो आज भी हम इन वैज्ञानिकों के रिसर्च और शोध प्रपत्र से एक ऐसा करिश्माई विज्ञान आपके सामने लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और इन वैज्ञानिकों की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको इन वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक ग्रंथ त्रिपटी के खुद्दुक निकाय के उदान वर्ग के मुचलिंद वर्ग पर लेकर चलते हैं, जिसमें इन वैज्ञानिकों के धर्म का सबसे बड़ा विज्ञान बताया गया है कि इनके यहाँ की औरतें 7 वर्षों तक गर्भावती रहती हैं, अर्थात 7 वर्षों तक अपने बच्चों को अपने पेट में सुरक्षित रख सकती हैं, जबकि दुनिया के सभी देश और धर्मों में सामान्यतः महिलाओं का गर्भ 9 से 10 महीने का ही होता है। लेकिन इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के यहाँ 7 वर्षों तक गर्भ धारण का अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। इन वैज्ञानिकों ने अपने त्रिपटी ग्रंथ के रिसर्च पेपर में लिखा है कि कोरिय पुत्री को दर्द नहीं होता क्योंकि वह त्रिरत्न पर विश्वास करती है। त्रिरत्न अर्थात धम्म, संघ और बुद्ध, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ईसाई वैज्ञानिक लोग ट्रिनिटी पर विश्वास रखकर कष्ट दूर करने का दावा करते हैं। इस रिसर्च पेपर में बुद्ध मसीह का चंगाई प्रोग्राम तो तब शुरू होता है जब बुद्ध कोली स्त्री को यह कहते हैं कि सुप्पावासा, चंगी हो जा, बिना दर्द के प्रसव उत्पन्न कर। बस फिर क्या है, बुद्धे लुइया सुप्पावासा 7 वर्ष से धारण किए अपने प्रसव को बिना दर्द के आसानी से जन्म दे देती है। इतना ही नहीं, उसका बच्चा इस बात की गवाही में बोलता है कि मैं 7 वर्षों तक खून के घड़े में पड़ा रहा। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार का विज्ञान भरा पड़ा है हमारे फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों में। तो अब जिनके पास इतना तगड़ा विज्ञान होगा वह दूसरे धर्म और मत मान्यताओं पर आक्षेप तो करेगा ही। तो यही कारण है यह वैज्ञानिक लोग हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों और मत मान्यताओं का मजाक बनाते हैं, क्योंकि हिंदुओं के पास 7 वर्ष तक प्रसव को पेट में रखने की तकनीक नहीं है। अतः यही मुख्य कारण है कि यह 7 साल तक अपने अम्मा के पेट से पैदा होने वाले वैज्ञानिक हिंदुओं से घृणा करते हैं, उनसे जलन रखते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो लगे हाथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मैं फिर आपसे आज्ञा लेता हूँ और मिलूंगा जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।